What exactly do we mean by this term? The second most important topic of your chemistry syllabus. Thermodynamics. Thermo means what? Thermo. Means heat. Dynamics. Dynamic means what, you know? Reactions. So here what are we going to study? Under thermodynamics, we study the influence of heat. Influence of heat on any reaction. Change. We study the influence of heat on any reaction or change. Influence of heat in any chemical change. Please don't talk. In any chemical change, there is some amount of heat either gained or lost. Either gained or lost. So a chemical process cannot be devoid of heat and heat related changes. Ye statement yaad rakhna. Kya? Any change cannot be devoid. Devoid means separated. Heat related changes. Kuch to hoga. Ya to gain ya loss. बट होगा. आप या तो उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. बट दैट डज नॉट मीन दैट देयर इज नो गेन और लॉस ऑफ हीट. इफ यू से दैट इट्स अ रिएक्शन, इफ यू से दैट इट्स अ चेंज, इट मीन्स आइदर हीट हैज बीन गेन्ड और हीट हैज बीन लॉस्ट. Alice in Wonderland. Good afternoon. Or is it still morning for you? Lost in your thoughts, you are completely, ma'am. Please. So we cannot say, हम ये नहीं बोल सकते कि reaction हो गया है लेकिन there is no change, there is no gain, there is no loss of energy. If there is a reaction, if there is a change, there is a gain or a loss of energy. हाँ, अब ये उस energy के quantity पे depend करेगा कि हम उसका gain या loss experience कर पाए या हम उसका gain या loss experience नहीं कर पाए. आ रही है बात समझी? Yes or no? That is the concept. So, simplest change ले लो, कोई भी simplest change. What comes to your mind, Alicia? What comes to your mind? Chemical change, simplest.
सिंपलेस्ट कोई भी जो तुम्हारे माइंड में आ रहा है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यस ऑफ कोर्स राइपनिंग, इट्स अ डीकंपोजिशन, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। राइपनिंग के लिए क्या लगता है, हीट लगता है ना राइपनिंग के लिए, हेस्टैक हेस्टैक रे भूसा, हे भूसा रहता ना मैंगो, मैंगो तो कच्चे मैंगो के ऊपर देखो भूसे का अच्छा खासा लेयर रहता है। व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू ट्रैप द हीट एंड ड्यू टू द हीट द रॉ मैंगो विल गेट राइप। मॉर्निंग गेट अप करके तुम क्या करते हो सबसे पहले, ब्रश करते हो, ब्रश करने के बाद ऐसे ठंडक फील होता है इन योर ओरल कैविटी, यू फील दैट चिलीनेस, कूल, हाँ यस इट्स नॉट कूल इट्स चिली, हाँ चिली, बहुत ठंडी चीज को है ना चिली बोला जाता है, चिल्ड, सो चिली कम्स फ्रॉम चिल्ड, चिली डज नॉट कम फ्रॉम ग्रीन चिलीज, फ्रॉम ग्रीन चिली कम ए स्पाइसी, Which school? किसी भी चेंज को हीट से सेपरेट नहीं कर सकते। अगर चेंज हुआ है तो हीट का या तो गेन या तो लॉस हुआ ही है। अब ये शायद हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे इसलिए हमें ये लग रहा है कि हीट का चेंज कहाँ हुआ, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, बट हुआ है। जैसे कि अभी मान लो तुमको किसी बिल्डिंग के 10वें माले पे जाना, तुम स्लोली स्लोली वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप क्लाइंब करके जा रहे हो, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मीन्स एवरी टाइम यू आर डूइंग ए स्मॉल वर्क, सो देयर इज नो ओवर एक्सर्शन, तो एकदम से पसीना नहीं निकलेगा क्योंकि आप आराम से चल रहे हैं, बट एनर्जी यूटिलाइज हुआ है, हीट इज गेटिंग रिलीज्ड इन अ वेरी स्मॉल प्रपोर्शन, बिकॉज इट इज इन अ स्मॉल प्रपोर्शन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट हुआ है, गेटिंग इट ऑन नो, दैट इज द थिंग, दिस इज द इन्फ्लुएंस दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इन दिस टॉपिक, हाउ डज हीट, हाउ डज हीट एंड व्हाट इज हीट, अ फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंसर रिएक्शन, इन्फ्लुएंसर थर्मो डायनामिक्स मीन्स मूवमेंट ऑफ द रिएक्टेंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, मूवमेंट ऑफ द डायनामिक्स, डायनामिक्स मीन्स व्हाट यू नो, डायनामिक मीन्स व्हाट यू नो, मूविंग, डायनामिक मीन्स मूविंग, रिएक्टेंट इज नॉट डायनामिक, प्रोडक्ट इज नॉट डायनामिक, that part of reactant which is moving towards the product, that part of reactant which is on the arrow is dynamic. Heat will either be gained on the arrow or lost on the arrow. There is no gain at the left and the right sides of the reaction. Reactant does not lose heat or gain heat. Product does not lose heat or gain heat. That part of reactant which is willing to become the product will lose or gain heat.
You have 100 gram of reactants, but out of that 100 only 5 is moving towards the product. So that 5 will either gain or lose heat. Remaining 95 is still waiting for its turn to come. Yes. Clear? Yes. 100%? Yes. Sha. No, this one. Pay attention now. Thermodynamics is a branch of thermodynamics is a branch of physical chemistry. It deals with macroscopic properties. It deals with macroscopic properties. Macroscopic is opposite of microscopic. Macroscopic means what? Large. Talk scientifically. Visible to the naked eyes. Direct दिखाई देगा उसको देखने और देख कर समझने के लिए माइक्रोस्कोप मैग्निफाइंग ग्लास का जरूरत नहीं है. इट डज नॉट डील विथ द does not deal with the time involved in the process. Time से इसका लेना देना नहीं है. Does not deal with the mechanism of the reaction. Does not deal with the mechanism of the deals with the initial and the final state of the reaction. Deals with the initial and final state of the reaction. So, not deal with time involved, time factor, not important. Not deal with mechanism. Mechanism be important. Important guy deals with initial and final state. State of the reaction. Understood? Yes. What is it? It is a branch of it's a branch of physical. Understood? Yes. Make a note of this. Yeah. So, thermodynamics deals with three things. Three, primarily. Someone.
Thermodynamics involves understanding of system surrounding state. What is system? It is a part of the universe under our observation. Part of universe under our observation. The container beaker flask test tube in which the reaction takes place. ये सिस्टम अभी आपके लिए ये क्लासरूम एक सिस्टम है. आपका पूरा ध्यान क्लासरूम के अंदर है. अब चाहे वो क्लासरूम का पंखा, दीवार, बेंच, स्क्रीन स्क्रीन जिस पे भी. अरे एक मिनट यार. सिस्टम. नाउ देयर इज अनदर लेक्चर हैपनिंग इन एडजेसेंट क्लासरूम. सम वर्क इज हैपनिंग इन द कॉरिडोर. सम वर्क इज हैपनिंग इन द ऑफिस. Likewise, there are changes taking place everywhere apart from this room. But are you concerned with those changes? You are not. It does not come under your scope of understanding. It does not come under your scope of understanding. Why? Why it does not come? This wall restricts it. The door restricts it. The windows restrict it. So you have surfaces which restrict your scope of observation. Sitting in this classroom, you cannot observe what is happening in the adjacent classroom. अब इसका ये मतलब नहीं है कि बाजू वाले क्लासरूम में कुछ हो नहीं रहा है. हो रहा है, कुछ तो पढ़ा रहे हैं वहां पे भी. ऑफिस में कुछ तो काम चल रहा है. कॉरिडोर में कुछ लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं. क्लीनिंग चालू है. व्हाट एवर इज हैपनिंग, समथिंग और द एल्स इज हैपनिंग, बट नॉट अंडर योर स्कोप ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो दैट फैक्टर विच यू ऑब्जर्व इज योर सिस्टम. Now talking with respect to chemistry, when you mix the reactants, where you mix it? In a beaker? Yes. In a test tube? Yes. In a conical flask? Maybe in a big container? Yes. So your observation span will only be that container, that test tube, that beaker. बाजू का टेबल पे खड़े होकर कोई और कोई दूसरा रिएक्शन एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आप उसके ऑब्जर्वेशन को नोटिस करने नहीं जाएंगे. आपका पूरा फोकस रहेगा आपके टेस्ट ट्यूब, आपके बीकर. दैट्स सिस्टम. क्लियर? सिस्टम में आप सबसे पहले यही लिखोगे, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर आवर ऑब्जर्वेशन. सिस्टम इज अ पार्ट विच इज अ वेरी स्मॉल पार्ट. स्मॉल पार्ट, नॉट वेरी बिग ऑल्सो. That system which you are observing, that system which is under your observation is a small part. It's a small part.
सराउंडिंग इज एनी डे बिगर सराउंडिंग इज बिगर देन द व्हाट इज सराउंडिंग Not under our apart from those containers, beakers, test tubes, flasks where the reaction is being everything else apart from that if your reaction is in the test tube your system is only the test tube everything else that limit where the test tube ends your system ends uske agle hi millimeter se kya shuru hoga स्टेट क्या है व्हाट इज स्टेट गॉड ब्लेस दिस बॉय गॉड विल ब्लेस यू योर सेंसेस विल इंप्रूव एंड देन यू विल गिव लॉजिकल आंसर्स बोल के हो गया उसका नहीं है वो द इनिशियल सिचुएशन ऑफ योर सिस्टम बिफोर द चेंज बिगिंस एंड द फाइनल स्टेट ऑफ योर सिस्टम आफ्टर द चेंज हैज टेकन प्लेस इज द स्टेट समझे क्या condition of the system before the change begins final state of the system after the changes have state of the system like for example you have a plus b moving to c plus d now pressure is p1 volume is v1 temperature is t1 So these quantities will define the initial state. Finally, the pressure is P2, volume V2, temperature T2 will define the final state. Clear? Yes. Sure? Yes.
इनिशियल स्टेट एंड clear? Yes. Now I'll tell you, there is something called as boundaries. What do you mean by boundaries? Come on. The surface that separates the surface that separates the system from the surroundings is the boundary. Important point is these surfaces may be real or imaginary. Boundaries define a limit to the system. Boundaries define a limit to the system. Boundaries are having surfaces. How many? Common to the surrounding, other common to the system. Clear? Yes. Chhapo mat, samjho pehle. This door, it's a boundary. That window, it's a boundary. The walls, they define the extent of your system. Let us say this door is not there. The door is not in place. It's been removed for some or the other reason. So can you take a table and a chair and sit outside in the corridor and say that you are attending a lecture? No. Whether the door is there or it's not there, you know that this is the point from where the classroom begins. If you are outside, if you are inside, you know that this is the point where the classroom ends. Yes or no? Yes. So, एक बाउंड्री हमेशा रहेगा ही, दिखेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है.
हर एक्सपेरिमेंट में बीकर के ऊपर लिड एंड टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक कॉर्क का होना जरूरी नहीं है टू डिफाइन द लिमिट वेदर द टेस्ट ट्यूब हैज अ कवर और नो वेदर अ बीकर हैज अ लिड और नो यू नो व्हाट इज योर एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन यस और नो Yes or no? Yes. You know what's your area of observation. That is the thing. That is the concept. And one surface means this is the inner surface of the boundary, which is a part of the system. This wall is that surface of the boundary, which is a part of your system. This wall has another surface, which is a part of that other classroom, which is a part of the surrounding. Like for example, this door, this surface is a part of your system, but this surface is a part of the surrounding. Getting it or no? Yes. Note this down. This is clear? Now we have two types of properties of any system. How many types? Two types. What are they? Properties of the system. Properties of the system, there are two types. There's something called as intensive properties. Those properties of a properties of a system which are independent of the mass of the system are they are known as intensive example boiling point, temperature, density, refractive index. These are those properties which do not depend upon the mass. ग्लास का टुकड़ा छोटा है बड़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू एयर एयर टू ग्लास रिमेन्स द सेम यू गो आउट इन द टेरेस एंड डू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सपेरिमेंट यू रिमेन इन द लैब एंड डू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सपेरिमेंट सेम टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दीज आर इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास वाटर विल बॉइल एट 100 ओनली नो मैटर व्हाट intensive properties. Getting it? Yes. The other one is extensive properties. Thank you.
those properties of a system. Which depend upon the mass of the system. Properties of a system which depend upon the mass of the system. Mass in itself, heat, temperature and heat are different. This is the give reason. We'll come to this after this only. We'll come. Heat alag hai, temperature alag hai. Dono mein confuse nahi hone ka. Heat is different, temperature is different. Mass, volume, heat. These are all extensive properties. Understanding? Yes. Concentration depends upon the mass, na? Nahi samjha? Arey mass, arey. Amount of substance. Mass, amount of substance, the quantity. We are trying to quantify it. The quantity. Getting it? Are yes or no? Yes. Clear? Yes. Sure? अरे रुक रुक के क्यों आ रहा है done? Yes. Density is equal to volume. Stands. Mass upon volume. Sure. Yes. Pakka? Yes. ठीक है. Sit. Mass upon volume. Standard hydrogen electrode. Density is an intensity.
after the lecture na, you see the recording of this lecture in the camera of the office. Then you will understand why every time you have to tell Vidya ma'am that I cannot give test this time. नहीं समझा ना जोक? अरे कंटिन्यूअसली शी सर्चिंग फॉर पीपल टू टॉक, देन टेस्ट के टाइम पे तो ये बोलेगी ना कि अभी टेस्ट नहीं दे सकते. समझा ही नहीं कुछ. इतना क्या बात कर, अभी फिर से बात कर रही. फॉर अ चेंज इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड आई वॉज इंसल्टिंग यू, इसलिए मैंने बोला ना आप रिकॉर्डिंग देखना लेक्चर का कैमरा में जाके, तो आपको समझेगा. टू थिंग्स यू कैन डू, आइदर यू ट्राई सिटिंग अलोन विच इज डिफिकल्ट नॉट पॉसिबल, और यू सिट एट द सेम प्लेस बट एवरी टाइम यू फील लाइक टॉकिंग बैंग योर हेड ऑन द वॉल. Or whoever is sitting besides her, every time she tries to talk, just push her head on the wall. 4-5 times it will happen, then she will automatically pay attention. See, problem is not that you will talk, problem is you will talk continuously for 3 hours. उतना हम लोग के पास भी एनर्जी नहीं रहता है. और इतना टॉपिक आता कहाँ से, इधर तो पूरा सिलेबस है पढ़ाने के लिए. इतना मतलब 3 घंटे से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअस, कभी लेफ्ट कभी राइट, पीछे लेफ्ट राइट, कंटिन्यूअसली मूविंग एंड सम डिस्कशन. जाने दे तू. डेंसिटी इज या पे अटेंशन तिवारी. तिवारी पिंक इज योर फेवरेट गर्ल. अरे नाम है नहीं उसका, तुम मम्मी है उसकी. She's taking so much of pride in saying that. नहीं नहीं दिया है ना. Density is an intensive problem. But mass and are extensive properties. So what we remember from this, you know, you remember that ratio of two extensive properties is always an intensive problem. See, getting directly proportional, getting inversely proportional is a different thing, and the identifying factor is a different thing. Understood? Now, another thing, please wait. In relation to this only, heat is extensive, but temperature is intensive. Explain. Heat is related to amount of energy absorbed or released. Okay, heat is amount of energy absorbed.
Temperature is a fixed property of any heat gained or lost depends upon the mass of substance involved in the process. Suppose if we have 5 liters of water in a container and in another container we have 1 liter of water. Both the containers are kept on the burner. In which container will you notice water boiling first? 1 liter. Because 1 liter of water quantitatively is less. Because 1 liter of water is quantitatively less than 5 liter. The amount of heat absorbed by 1 liter water to reach 100 degrees Celsius and start boiling is less. But the amount of heat required by 5 liter of water to reach 100 degrees Celsius and start boiling is. But 5 liter water also boils at 100. Yes. And 1 liter water also boils at 100. But 5 liter water. But 1 liter water reaches 100 degrees Celsius after process of boiling in 1 liter water. But the heat absorbed in 10 minutes is not enough for.